ठान लिया है कि आपको वो शक्ति मैं दे के रहूंगा। और मेरी बात ध्यान सुनना, आप दिमाग से सारी बातें निकल देना इस टॉपिक को समझते समय। जितने नॉलेज आपने अभी तक पूरे चैप्टर्स के गेन किए, वो अकाउंटिंग टर्म्स, वो जर्नल एंट्री, वो लेजर अकाउंट, वो ट्रायल बैलेंस, वो आपका सब्सिडरी बुक, वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो BRS, वो सारे नॉलेज, वो डेप्रिसिएशन, वो सबको अब यहाँ पे इकट्ठा करना होगा, क्योंकि यहीं पे आपका अल्टीमेट निचोड़ निकलेगा जिसको हम अमृत का नाम देंगे। और उसको पीने के बाद, मतलब इस चैप्टर को सीखने के बाद, आपके अंदर में असीम शक्तियां आने वाली है। असीम शक्तियां मैं कैसे बताऊं, आप फील करोगे चैप्टर खत्म होने के बाद। लेकिन एक ही बात ध्यान रखना, जब तक ये चैप्टर चलेगा तब तक आपके दिमाग में इफ और नहीं आएगा। पहले मुझे कॉन्सेप्ट पे आपका काम करना है, मैं पहले आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करूंगा, उसके बाद मैं आपके बुक से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। उसी कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के प्रोसेस में मेरे बच्चे मैंने पहला एग्जाम्पल आपके लिए बना के पहले से रखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूं। जब मैं पढ़ दूंगा आप वीडियो को पॉज करेंगे, आप पहले इस क्वेश्चन को अपने हाथों से अपने रजिस्ट्री में लिखेंगे, और आपको लिखना है, क्योंकि जब क्वेश्चन को हम हाथ से लिखते हैं मेरे बच्चे, यानी कि क्वेश्चन को हमने खुद क्रिएट किया है, माइंड से हमने खुद क्रिएट किया है। और जो इंसान किसी चीज को क्रिएट करता है ना, वो उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखता है कि मैं इसको तरीके से समझूं, इसको तरीके से अपने पास रखूं, इसको बड़ा करूं। ये हमारा, मतलब ये हमारा एक नेचर होता है, वैसे जैसे आपके मम्मी पापा है, वो भी आपको क्रिएट किए हैं और आपका सबसे ज्यादा ख्याल वही रखते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे। तो मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन में क्या है, ट्रैवल्स एज ऑन 31 मार्च 2019, डेट कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। ओपनिंग स्टॉक बता रहा है 40,000, परचेजेज हमने लिखा है 2 लाख का अमाउंट, परचेज रिटर्न मतलब जितना हमने परचेज किया था उसमें से 10,000 हमने रिटर्न कर दिया, सेल्स हमने किया है 9 लाख का, इसमें से 25,000 हमने रिटर्न कर दिया, कैरिज इनवर्ड यानी कि फैक्ट्री में लाने तक का भाड़ा आप जानते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, वेजेज आपका 182, ये हमने फैक्ट्री के अंदर में वर्कर्स काम करते हैं उनको इतना वेजेज पे किया है, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है मतलब जो प्रॉफिट लॉस के खर्चे हैं वो आपका 1 लाख, हमने कहा था इसका मतलब जो ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन में सेलिंग में जो खर्चे होते हैं, कैपिटल मेरे बच्चे 12 लाख का अमाउंट है, बैंक से एक लोन लिया है 8 लाख का अमाउंट, बिल्डिंग कहता है कि 20 लाख का है, और कैश कहता है कि 345, दिस इज ट्रैवल्स एट द एंड ऑफ ईयर। ये बातें तो हमने पिछले चैप्टर में विदाउट एडजस्टमेंट में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी हुई है, 7 क्लासेज हमने वहां पर डिवोट किया था इस बात को समझने के लिए। पर बच्चे अब मैंने क्या किया, 3 एडजस्टमेंट्स यहां पे ऐड किए हैं, एक एडजस्टमेंट जो पिछले चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं कि क्लोजिंग स्टॉक आपका एंड में 60,000 है, इसका रीजन मैंने वहां भी समझाया था, इसका रीजन मैं यहां भी समझाऊंगा, क्योंकि यहां मेन आपको समझना है, ठीक है ना। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक 60,000, डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज, डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है 10% के हिसाब से ऑन बिल्डिंग, ये बिल्डिंग जो 20 लाख का दिख रहा है एट द एंड ऑफ ईयर, इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, मतलब अभी तक हमने चार्ज नहीं किया होगा, है ना बच्चे, क्योंकि अगर चार्ज हुआ रहता तो डेप्रिसिएशन हमारे ट्रायल बैलेंस में दिखता, ट्रायल बैलेंस तो साल के एंड में बना रहे, तो साल के एंड में जो भी कुछ हो चुका होगा एंड तक, अगर डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका होगा तो डेप्रिसिएशन आपका यहां पर दिखता है, जो नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो हम चार्ज कर लेंगे जी। और वेजेस कहता है कि ड्यू है बट नॉट पेड आपका वर्कर्स को 8,000, मतलब हमने वर्कर्स को वेजेस कितना पे कर दिया, 182, ये ट्रायल बैलेंस में जो दिख रहा है वो वेजेस आपका पेड है, हमने कितना पे किया 182, और कहता है कि अभी भी 8,000 का वेजेस पे करना बकाया है, हमें पे करना है। तो मेरे बच्चे ये आपका ट्रायल बैलेंस है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कैश एंड में आपका 345 है, ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को, कैश ट्रायल बैलेंस में कहता है कि एंड में 345 है, इसका मतलब है हमने जो परचेज किया होगा पेमेंट किया होगा, हमने सेल्स किया होगा पैसे आए होंगे, हमने कैरिज पे किया होगा पैसे गए होंगे, हमने वेजेज पे किया होगा पैसे गए होंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ किया होगा पैसे गए होंगे, ओनर से पैसा अगर आया होगा कैपिटल के रूप में तो कैश आया होगा, बैंक लोन से पैसा आया होगा, बिल्डिंग हमने परचेज किया तो पैसा गया, सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास एंड में इतना कैश है। एंड में ये हमेशा कब का होता है मेरे बच्चे, ये एंड का बैलेंस होता है, सारी बातें तो एंड की है, और 3 आपके एडजस्टमेंट है। अब मैं आता हूं आपको समझाने में, एक काम कीजिए आप वीडियो को पॉज कर लेना, इतनी बातें लिख लेना, फिर उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। मैं स्टार्ट करता हूं सॉल्यूशन, ये मानते हुए कि आपने वीडियो को पॉज करके सारी बातें लिख ली हैं, मैं आपको यहां पर दिखाता हूं बना के मेरे बच्चे ट्रेडिंग अकाउंट, आओ ना मैं यहां पर आपको ट्रेडिंग अकाउंट दिखाता हूं बना के,
ये रहा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट और ये रहा आपका। एक काम करना, आपको इस पेज में आपने अगर आपका रजिस्टर का ये जो पेज है, मान लो ये पेज है और आपने ये जो लिखा है मेरे बच्चे, अगर सपोज कि यहां तक आपको आया है और इतना जगह खाली छूट चुका है, छोड़ दो इसको, हमें इस पेज को अब यूज नहीं करना, हमें नया पेज लेना है और उस नए पेज पे आपको पूरा 3 अकाउंट एक साथ बनाना है। इसी पेज पे, मतलब नए पेज पे, ये लो नया पेज, आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट, मतलब पेज हमें पलटना नहीं है, हमें एक ही पेज पे सारी बातें सीखनी है। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो आपके रजिस्टर का 12 से 13 लाइन को आपको ये लेना है, इसके लिए 12 से 13 लाइन आपका, ठीक है ना, ट्रेडिंग अकाउंट आपका। और ट्रेडिंग अकाउंट के बाद फिर आप यहां लेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट। हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बहुत सारी बातें नहीं रखी है, तो आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट में यहां पे 7 से 8 लाइन ले लो, काफी है 7 से 8 लाइन जगह, बहुत ज्यादा इसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसके बाद मेरे बच्चे, इसके बाद आपका बैलेंस शीट, जो जगह बच गया होगा इसी पेज पे, लेकिन हमें पेज नहीं पलटना बार बार, बैलेंस शीट एज ऑन साल के एंड में बनता है 31 मार्च 2019 क्वेश्चन के मुताबिक। तो हमने यहाँ पे बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट रेडी किया, ये लीजिए मैंने तीनों फॉर्मेट यहाँ पे रेडी किए हैं, आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट का। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर, फॉर्मेट में क्या है सर? और आपको फॉर्मेट अगर पूरा बताऊं तो आप जानते हैं कि यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखे जाते हैं, ये हमारा पर्टिकुलर्स होता है, ये हमारा अमाउंट कॉलम होता है, आप लिख लेना, मैं सारे क्वेश्चन में नहीं लिखने वाला, मुझे ये काम बोरिंग लगता है, आप लिखना, लेकिन क्योंकि आप अकाउंट सीख रहे हो, ये आपका हो गया, यहां भी आपका पर्टिकुलर्स, ये हमारा पर्टिकुलर्स आपका है, ये हमारा अमाउंट कॉलम है, ये हमारा अगेन पर्टिकुलर्स है, पर्टिकुलर्स, और ये हमारा अमाउंट आपका कॉलम है, ये हमारे बैलेंस शीट का मेरे बच्चे कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड आपका होता है, ये हमारा अमाउंट हो गया, अमाउंट हो गया, ये हमारा एसेट साइड होता है, आप जानते हैं इन बातों को, और ये हमारा अमाउंट कॉलम हो गया। तो ये चीजें हमने क्या क्या यहाँ पर रिकॉर्ड किया, अब मैं शुरू करता हूं कॉन्सेप्ट के अंदर में। ये देखो आप ओपनिंग स्टॉक, आप जानते हैं कि जो फैक्ट्री तक के एक्सपेंसेज होंगे उसको रिकॉर्डिंग यहां पे होगी, ओपनिंग स्टॉक यानी कि जो पिछले साल आपने स्टॉक गुड्स परचेज किया था और वो बच गया था, यानी कि पिछले साल यूज नहीं हुआ, वो इस साल यूज होगा। ये कहां यूज होगा? फैक्ट्री में, इसलिए आप ट्रेडिंग अकाउंट में यहां पर दिखा रहे हैं 40,000 एक्सपेंस के रूप में, ओपनिंग स्टॉक हमारा एक्सपेंस है। फिर बच्चे परचेजेज, जो रॉ मटेरियल हम लोगों ने परचेज किया है, जो रॉ मटेरियल परचेज किया है 2 लाख का, वो हमने अंदर लिखा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे रिटर्न है, तो मैं इसमें से क्या करूंगा, लेस कर दूंगा रिटर्न को, परचेज रिटर्न जो आपका है हम उसको माइनस कर देंगे, कितना है जी 10,000। तो मुझे बताओ इसको माइनस करके अमाउंट कितना रह गया, 190। एक्चुअली फैक्ट्री के लिए 2 लाख का गुड्स परचेज किया गया था, लेकिन शायद कुछ गुड्स खराब रहे होंगे या कुछ भी रहा होगा, हमने 10,000 वापस किया, तो फैक्ट्री में 190 तो यूज हुआ। सेल्स आप यहां लिखेंगे बाय सेल्स, हम सेल्स में से ही तो कंपेयर करके प्रॉफिट निकालते हैं, 9 लाख अगेन अंदर लिखना, क्वेश्चन आपने खुद लिखा है, आपको पता है देयर इज सेल्स रिटर्न, तो आप इसमें से लेस कर दो रिटर्न, नेट सेल्स को पता करने के लिए, कितना जी 25,000। तो मेरे बच्चे सेल्स जो आपका है वो 8,75,000 का अमाउंट हो गया, 875, ठीक है ना। कैरिज इनवर्ड मैं यहां लिखता हूं, कैरिज इनवर्ड, ये हमारा फैक्ट्री में गुड्स को लाने तक का एक्सपेंस होता है, तो फैक्ट्री में गुड्स को लाने तक का जो एक्सपेंस होगा वो आप यहीं पे दिखाएंगे, ये कितना है जी 18,000 का अमाउंट, यहाँ पे 18,000, तो ये हमारा कैरिज इनवर्ड आ गया ना। फिर आपका कहता है वेजेज, वेजेज फिर बच्चे इस पे मेरे एक एडजस्टमेंट रखा हुआ है, तो मैं आपको समझाता हूं फिर यहां पे लिखूंगा, आप रुक जाओ मेरे साथ, अब यहां पे इतना लिख के छोड़ दो आप, और सुनो मेरी बात, मैं एक काम करता हूं इसके साथ साथ रेड इंक भी ले लेता हूं, कभी थोड़ा रेड मुझे प्यारा लगा तो मैं इससे भी लिख लूंगा, और एक आपका ब्लू भी ले लेता हूं, ठीक है ना। ऐसे मैं अक्सर ब्लैक को ज्यादा यूज करता हूं, तो कोई बात नहीं, देखता हूं क्या निकल गया था, ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनेंगे। आप मुझे ये बताओ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में क्या रिकॉर्ड होता है? बोलो क्या रिकॉर्ड होता है? सर डेबिट में रिकॉर्ड होता है एक्सपेंस, आप एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हो, एक्सपेंस अगर वो डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग में और इनडायरेक्ट तो प्रॉफिट लॉस में, छोड़ो ना, एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। मुद्दा ये है एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, हमने एक्सपेंस का मतलब आपको क्या बताया है? सर आपने हमें समझाया है कि एक्सपेंस का मतलब होता है बेनिफिट लेना,
मेरे बच्चे बेनिफिट लेना, अगर मैंने बेनिफिट ले लिया है, बेनिफिट टेकन आपका, अगर मैं किसी चीज का बेनिफिट ले चुका हूं तो मेरा एक्सपेंस हो चुका है। ये मैटर नहीं करता कि मैंने पेमेंट किया है कि पेमेंट नहीं किया है, क्योंकि पेमेंट करना या ना पे करना एक्सपेंस नहीं होता, एक्सपेंस तो बेनिफिट लेना होता है। मैंने कई बार आपको समझाया है, एक बार दोबारा समझाता हूं। ये देखो आप यहां पे, ये मान लो मेरा करंट ईयर है, ये करंट ईयर है, मान लो 1st 4 2018 से लेकर 31st मार्च 2019, जितना बोलूंगा उतना ही सोचना है, उतना ही समझना है, इससे ज्यादा बात नहीं करनी। और एक चीज और बता दूं, अगर आपने जो आज तक स्टडी किया अकाउंटिंग टर्म्स, जो भी चीजें मेरे साथ स्टडी की, अगर उनका शॉर्ट रिविजन करना चाहते हो तो यूट्यूब पे मैंने क्लास रखी है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, माफ कीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग बाय संतोष कुमार, यूट्यूब पे टाइप करना, वो आपको क्लास मिल जाएगा। और उस क्लास में बिल्कुल अभी तक जो आपने 11th क्लास में पढ़ा उसको मैंने वहां पे समराइज किया हुआ है, आपको ज्यादा मजा वहां पे आएगा। इस चैप्टर को समझने के पहले उसको स्टडी कर लेना, 1 घंटे का वीडियो है, ठीक है। मैं फिर भी मैं उन सारी बातों को समझा रहा हूं, ये हमारा करंट ईयर है, दिस इज माई करंट ईयर, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, इसको आपको नहीं लिखना, आपको बस यहां तक लिखना था, ये मेरा करंट ईयर है। मेरे बच्चे चार लोग, ए बी सी और डी, चार लोग मेरे पास क्या करते हैं, काम करते हैं, दे आर माय वर्कर्स, ये मेरे वर्कर्स हैं, और इन चारों से मैंने करंट ईयर में काम लिया है, मतलब चारों से मैंने काम ले लिया, चारों से काम ले लिया। जब मैंने काम ले लिया, अब पेमेंट करने के बारी आई, तो मेरे बच्चे ये जो तीन लोग है ना, ए बी सी, इनको मैंने कैश पे कर दिया, कैश पे कर दिया, कितना पे कर दिया, 182, 1,82,000 रुपए। ऐसे दिमाग से फिगर निकाल लो, बस सुनो मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूं। चार लोगों ने मेरे पास पूरे साल काम किया, लेकिन आउट ऑफ फोर पीपल आई हैव पेड अमाउंट टू 3 पर्सन, कौन कौन, एबीसी आपका, कितना 182, कब पे किया, साल के बीच में, आए पे कर दिया, आए पे कर दिया, आए पे कर दिया। डी जब मुझसे पैसा मांगने आया, मेरे बच्चे मैंने डी को बोला कि देखो अभी पैसे नहीं है, मैं मानता हूं कि आपसे भी मैंने करंट ईयर में बेनिफिट ले लिया है, मैंने बेनिफिट आपसे ले लिया करंट ईयर में, लेकिन अभी पैसे नहीं है, मैं आपको पैसे अभी नहीं, अगले साल पे कर दूंगा। मतलब जो डी है मेरे बच्चे, इसका जो है ये आपका क्या हुआ, नॉट पेड, अभी तक मैंने पे नहीं किया, कितना, मान लो मुझे इनको 8,000 का पेमेंट करना था, मैंने पे नहीं किया। मुझे आप बताओ कि अगर साल के एंड में इस करंट ईयर का मैं आपसे पूछूं कि जरा बताओ वेजेस, जो मेरा एक्सपेंस है वो एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड किया जाएगा, वेजेस जो मेरा एक्सपेंस है वो एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड किया जाएगा, बताओ आप कितना बताओगे, एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड किया जाएगा, बताओ एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड किया जाएगा। सर सुनो ना, बोलो, मैं सुन लो मेरे बच्चे। सर देखो, आपने कहा था कि एक्सपेंस का मतलब बेनिफिट लेना होता है, आपने करंट ईयर में चारों से बेनिफिट ले लिया, चारों से काम ले लिया, तो सर जो एबीसी को पे किया ना वो भी आपका एक्सपेंस है, और जो डी को अभी पे करना है वो भी आपका एक्सपेंस है, क्योंकि एक्सपेंस का मतलब बेनिफिट लेना होता है, और आपने चारों से बेनिफिट ले लिया, तो एक्सपेंस जो आपका रिकॉर्ड होगा वो कितना रिकॉर्ड होगा, 190। मेरी बात आप समझ रहे हो ना, मैं कुछ नई बात नहीं बता रहा, पहले की सारी बातें दोबारा समझा रहा हूं शॉर्ट में, इस चैप्टर के अंदर में। एक्सपेंसेस बेनिफिट लेना होता है, और मैंने क्योंकि चारों से बेनिफिट ले लिया है मेरे बच्चे, तो मैं एक्सपेंस 190 रिकॉर्ड करूंगा। एक्सपेंसेज कोई पूछ दे कि एक्सपेंस कितना हुआ, 190, हाँ 190 में से पे कितना कर चुका हूं, 182, जो पे कर चुका हूं वो मेरे कैश में से जा चुका है, और जो मुझे पे करना है डी को वो मेरा ऑब्लिगेशन बन गया, लाइबिलिटी, मुझे पे करना है मेरे बच्चे, और मैं क्या करूंगा कि जो पे कर चुका वो तो ठीक है, जो पे करना है डी को, मैं यहां पे क्या करूंगा जी, आपका डी अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करूंगा एज लाइबिलिटी, और कितना लाइबिलिटी हुआ आपका, 8,000 का अमाउंट आपका। दोबारा सुनिए, एक्सपेंस कितना हुआ, 190 में इतना पे कर चुका हूं, इतना पे करना बकाया है, बात खत्म हो गई, ठीक है ना। और हाँ एक चीज और बताऊं मेरे बच्चे, क्योंकि यहां पे देखो एक इंप्लॉय था, आपने नाम लिख दिया, लेकिन जैसे टाटा बिरला रिलायंस की बात करो, क्या एक ही वर्कर काम करते हैं क्या, वहां पे एक ही वर्कर, एक ही इंप्लॉय है क्या, नहीं सर, वहां तो हजारों हैं, लाखों हैं, और ऐसी हमारी कंपनी, कंट्री में कई सारी कंपनी है जहां पे बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं। तो जब हजारों लाखों वर्कर्स होंगे तो मैं एंट्री करते समय अगर सभी का नाम लिखूं तो कितना गंदा लगेगा,
कितना गंदा लगेगा। डी को पे करना, सी को पे करना, डी को पे करना, एल को पे करना, एम को पे करना, ए को, कितना गंदा। अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग एक कला है। तो मेरे बच्चे हमारे अकाउंट्स ने कहा कि काम करो जी, आप फिर जितने लोगों को पेमेंट करना है ना, जो लायबिलिटी है, आप उनका नाम मत लिखो, और उनके नाम के जगह पे आप कह दो सिंपली आउटस्टैंडिंग। ये नाम दिया गया है मेरे बच्चे, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग आपका कौन एक्सपेंस, कौन सा एक्सपेंस, वेजेज ना, तो आउटस्टैंडिंग वेजेज कह देना यहां पे, है ना, आउटस्टैंडिंग वेजेज। एक्चुअली ये डी है जिसको हमें पेमेंट करना है, लेकिन बहुत लोग होते हैं कितने लोगों के नाम को लिखूंगा, तो नाम के बजाय हम इस चीज को लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेज अकाउंट। सर नाम नहीं लिख सकते अगर एक बंदा हो, नहीं बचे, अकाउंट्स में एक रूल पे काम करना पड़ता है। तो जब भी किसी वर्कर्स को हमें कुछ पेमेंट करना बकाया होगा, हम कह देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेज। किसी इंप्लॉय को कुछ पे करना बकाया होगा तो हम कह देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। मतलब वो नाम उस इंप्लॉय का मत लिखना, आउटस्टैंडिंग लिख देना। ये एक नया वर्ड आपको मिल रहा है, ऐसे मैंने पहले आपको समझाया अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर में। खैर मुद्दे पे आता हूं, मुद्दे पे मुझे बताओ इस बार का एक्सपेंस कितना हुआ, 190 में कितना पे कर चुका हूं, 182। कितना पे करना बकाया है, 8000। क्या है ये, लायबिलिटी है। तो ठीक है मैं इसी को भी यहां दिखाता हूं, ये देखो आप यहां पे देखो वेजेज आपने कितना यहां पे, ये देखो ये वेजेज मेरे बच्चे पेड होता है, आप लिखो चाहे ना लिखो। ट्रायल बैलेंस में वेजेज का मतलब क्या है, जो हमने पे किया है, कितना पे किया, 182। यानी कि इतना वेजेज हमने इस साल पे कर दिया है, और अभी भी वेजेज कहता है कि अभी 8000 पे करना बकाया है। तो मुझे ये बताओ कि जब मैं यहां पे वेजेज एक्सपेंस रिकॉर्ड करूंगा, वेजेज जब मैं यहां पे एक्सपेंस रिकॉर्ड करूंगा, तो एक्सपेंस कितना, 182 या फिर 8 या फिर दोनों मिला के 190। सर 190 होगा सर, एक्सपेंस का मतलब करंट ईयर में जिसका आपने बेनिफिट लिया है। तो मेरे बच्चे 190 आप यहां रिकॉर्ड करेंगे, जैसे मैं वहां समझा रहा था। अच्छा मुझे बताओ इस 190 में से आप कितना पे कर चुके हो, सर 182। और जो पे कर चुके हो मेरे बच्चे, वो कैश में से आपका ऑलरेडी माइनस हो चुका होगा, क्योंकि कैश एंड का है, ये कैश आपका एंड में बता रहा है। तो एंड में जब कैश बताएगा तो साल के बीच में जो भी कुछ हुआ होगा सब माइनस हो चुके होंगे। यानी कि ये जो आपका यहाँ पे ये जो पे हुआ है वो इसमें से माइनस हो चुका है, हमें कैश में से दोबारा माइनस नहीं करना, हमें कैश में से दोबारा माइनस नहीं करना। जितना कैश हमें ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है वो पूरा का पूरा अमाउंट यहां लिख दो, यानी कि 3,45,000। मैं बाद में भी लिख सकता था बट अभी समझा रहा हूं, लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अच्छा एक मिनट, ये 190 में से कितना पे कर चुके हो, सर 182। अभी और कितना पे करना बाकी है, सर 8000। तो जो पे करना बकाया है मेरे बच्चे, ये तो हमारी लायबिलिटी बन गई, लायबिलिटी बन गई। और लायबिलिटी को हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर में। तो जरा बताओ यहां पे मैं क्या लिखूं, डी का नाम लिखूं, नहीं सर डी की जगह क्या लिखना, आउटस्टैंडिंग वेजेज अकाउंट। तो मेरे बच्चे यहां पे आपका आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग वेजेज अकाउंट आप यहां पे रिकॉर्ड करेंगे। ध्यान रहे हमारे एग्जाम्पल के मुताबिक ये वो डी है, ये डी है जिसको हमें क्या करना है, आपका पेमेंट करना है। तो नाम के बजाय हम इस चीज को दिखा देते हैं, ठीक है ना, ये आउटस्टैंडिंग वेजेज अकाउंट आप लिख लो। मैं बार बार समझाऊंगा आपको मेरी बातों को, सुनना मैं क्या बोलना चाहता हूं, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे मेरे बच्चे। यहां पे क्या रिकॉर्ड किया, एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, 190 का एक्सपेंस हुआ, 190 में से जो पे कर चुका हूं वो ऑलरेडी कैश में से माइनस हो चुका होगा, क्योंकि कैश एंड का है, हम दोबारा माइनस नहीं करेंगे। और जो अभी पे करना बकाया है वो हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। सर जो पे करना बकाया है वो भी वो यहां नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा, देखो, क्योंकि अभी वो हमने उसकी एंट्री नहीं किया है, तभी तो नीचे दिख रहा है। तो हमने क्या किया, उसको यहां पे कर दिया, ठीक है ना सर। हाँ, और पता है आपके प्यारे प्यारे सर जो है स्कूल वाले वो क्या बोलेंगे, वो कहेंगे काम करना इसको ऐसे लिखो, वो कहेंगे कि आप लिखो यहां पे वेजेज पेड, कितना पे किया, 182 अंदर में, और जो आउटस्टैंडिंग है, जो आउटस्टैंडिंग है कितना था, 8000, तो आप उसको ऐड कर दो। वो कहते हैं कि ऐसे दिखाओ यहां पे ऐड करते हुए। तो मेरे बच्चे वो कोई नई बात या कोई गलत बात नहीं सिखा रहे, लेकिन हमें समझना होगा कि एक्चुअली यहां पे हम लोग एक्सपेंस कितना दिखा रहे हैं, 190। हम लोग कह रहे हैं कि 190 में भैया इतना पे कर दिया, इतना पे करना बकाया है, और 190 में से जो आपका अभी बकाया है वो यहां चला गया, जो पे हो चुका होगा वो कैश में से ऑलरेडी माइनस हो चुका होगा, क्योंकि कैश साल के एंड का है, हम दोबारा माइनस नहीं करेंगे, ये काम आपका पूरा हो चुका, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए यहां पे काम पूरा, जब आप अभी अभी जब क्लास खत्म हो जाएगी और जब बाहर निकलोगे
और रोड पे मान लो कोई आपका कोई दोस्त या कोई मिला और उसने पूछ दिया कि यार आपने आउटस्टैंडिंग यहां पे वेजेज को यहां पे क्यों रिकॉर्ड किया, आपने आउटस्टैंडिंग वेजेज को यहां पे क्यों रिकॉर्ड किया ट्रेडिंग अकाउंट में, तो आप उनको बहुत प्यारे शब्द में कहना कि आपका सवाल गलत है, आपका क्वेश्चन गलत है। आप उनको समझाना कि हमने यहां पे आउटस्टैंडिंग को रिकॉर्ड नहीं किया, हमने तो यहां पे क्या रिकॉर्ड किया है जी, वेजेज को रिकॉर्ड किया है। वेजेज हमारा कितना है 190, इस 190 में जो पे कर चुका हूं वो कैश में से माइनस ऑलरेडी हो चुका है और जो नहीं पे किया वो लायबिलिटी के रूप में यहां रिकॉर्ड किया। ये बात निकल कर मेरे बच्चे समझो मेरी बात ना, मैं शब्दों को समझा रहा हूं ताकि आपको अच्छा लगेगा। अच्छा अब उसके बाद आगे बढ़ता हूं और क्या है, वेजेज हो गया ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो तो मैंने कोई एडजस्टमेंट डाला ही नहीं है, तो आप क्या कीजिए उसको यहां रिकॉर्ड कीजिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आपका रटना कुछ भी नहीं है, बहुत प्यारे प्यारे शब्द है यहां पे जिसका मीनिंग समझो, उसका नोट लिखाऊंगा फिर काम खत्म करेंगे। तो 1 लाख रुपीज का अमाउंट आपका यहां चला गया मेरे बच्चे, कैपिटल हमारा बैलेंस शीट का आइटम है। मैं काम करता हूं थोड़ा इसको मिटा के जगह बनाता हूं, इसको हटा दूं, ध्यान रखना है बिल्डिंग हमने लिखा हुआ है। तो ये कैपिटल आप यहां लिखिए कैपिटल, और कैपिटल कितना बता रहा है जी आपका 12 लाख, इसको अंदर ही लिखना क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमने प्रॉफिट लॉस सब कमाया होगा वो इसमें प्लस माइनस होगा तो हम देख लेंगे बाद में। बैंक लोन हमारी लायबिलिटी है, थोड़ा जगह छोड़ के यहां लिखेंगे बैंक लोन। मैंने अभी छोटे छोटे एडजस्टमेंट आपके साथ डाले हुए 8 लाख का अमाउंट, ये लायबिलिटी हमारा यहां चला गया 8 लाख का अमाउंट। फिर क्या था बिल्डिंग, यहां आएंगे बिल्डिंग, चेक कीजिए बिल्डिंग कितने का बता रहा है 20 लाख। मेरे बच्चे इसको भी अंदर लिखना क्योंकि मैंने इस पे एडजस्टमेंट्स डाले हुए हैं, इस पे एडजस्टमेंट आपका सुनो ध्यान से। बिल्डिंग के बारे में कहता है कि आप इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करो 10%। मेरे प्यारे बच्चे ये जो 20 लाख का बिल्डिंग आपका यहां पर दिख रहा है इसमें कहता है कि आप 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करो, यानी कि बिल्डिंग पे अभी तक डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ है, बिल्डिंग से हमने डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया है। सर ये कैसे पता चला, जब एंड का बिल्डिंग आपका है तो फिर डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका होगा, ऐसा भी तो हो सकता है मेरे बच्चे। अगर ये हुआ रहता तो डेप्रिसिएशन आपको ट्रायल बैलेंस में दिखता, क्योंकि साल के बीच में जो भी कुछ कर चुके हो आप, जो भी कुछ एंट्री पास कर चुके हो वो सारी एंट्री जो है वो आपको ट्रायल बैलेंस में दिखेगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस वी प्रिपेयर एट द एंड ऑफ ईयर। तो जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया होता अगर ये एंट्री पहले से हो गया होता तो ट्रायल बैलेंस में आपको दिखता, नहीं दिख रहा यानी कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। आओ ना करते कौन सी बड़ी बात है, हमने 20 लाख का बिल्डिंग जो है वो कहता है भैया 10%, जरा बताओ 20 लाख का 10% कितना होता है 2 लाख का अमाउंट, 2 लाख मेरे बच्चे 20 लाख का 10% यानी कि जो 2 लाख रुपीज का अमाउंट है ये 2 लाख रुपीज आप बिल्डिंग के वैल्यू को आप यूज कर चुके हैं। 20 लाख जो आपका एसेट्स था, एसेट्स का मतलब क्या होता है, तो सर आपने कहा था कि एसेट्स का मतलब होता है जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा, जो हमें आगे आने वाले समय बेनिफिट देगा। मेरे बच्चे 20 लाख की जो बिल्डिंग है, 20 लाख की जो बिल्डिंग है, इस 20 लाख में से 2 लाख जो है ना 2 लाख का हम बेनिफिट ले चुके हैं। जब वो कहता है कि डेप्रिसिएशन है तो हमने डेप्रिसिएशन बताया कि उतने का हम बेनिफिट ले चुके हैं, तो आपने क्या करना इस बिल्डिंग में से डेप्रिसिएशन आप 2 लाख माइनस कर दो और बिल्डिंग हमारा कितना रह गया 18 लाख। ध्यान से मेरे शब्दों को सुनना मैं क्या बता रहा हूं, एक्चुअली 20 लाख रुपीज का अब वो एसेट्स रहा ही नहीं, मतलब एसेट्स जो अब हमें फ्यूचर में मतलब इस समय के बाद अब जो बेनिफिट मिलेगा वो सिर्फ 18 लाख का है, क्योंकि 20 लाख रुपए की जो बिल्डिंग है उनमें से 2 लाख की वैल्यू को यूज कर चुका मेरे बच्चे, मैंने उसका बेनिफिट ले लिया। तो आप जानते हैं कि जो बेनिफिट ले लिया वो तो मेरा एक्सपेंस बन चुका, जो बेनिफिट ले चुका वो एक्सपेंस बन चुका, तो इस डेप्रिसिएशन को हम क्या करेंगे एक्सपेंस के रूप में यहां रिकॉर्ड करेंगे डेप्रिसिएशन। बहुत ध्यान से बहुत सिंपल तरीके से और बहुत टाइम लेते हुए मैं इन बातों को समझा रहा हूं ताकि आपको आगे चैप्टर बहुत सिंपल लगना शुरू हो जाए। दोबारा सुनिए, अगर बाहर का कोई इंसान आपसे पूछता है कि आपने 2 लाख यहां से क्यों माइनस किया, आप उनको बताना कि अब ये 2 लाख रुपए जो है वो हमारा एसेट्स नहीं रहा, क्योंकि उस 2 लाख का हम बेनिफिट ले चुके हैं। तो मेरे बच्चे हमने यहां से 2 लाख हटा दिया, वो 2 लाख जिसका बेनिफिट ले चुके वो हमारा क्या बन चुका है, हमारा एक्सपेंस बन चुका है, और जो एक्सपेंस बना है मेरे बच्चे वो कहां जाएगा आपका प्रॉफिट लॉस में। तो यहां से हटा के हमने यहां पर रिकॉर्ड किया, क्लियर है, यहां पे हमने 2 लाख रुपए एसेट्स में से कम कर दिया, उसको एक्सपेंस के रूप में यहां पर रिकॉर्ड किया।
ठीक है ना सर? हाँ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, बहुत गहरे नींद में आप सोए हो, बहुत गहरे नींद में, और अजीब अजीब सपने देख रहे हो, और उसी के बीच में मैं प्रकट हो गया, आपके सपने की बात कर रहा हूं, और मैंने पूछ दिया, किसी ने बताओ डेप्रिसिएशन को कहां रिकॉर्ड करते हो? मैं पूछ दिया कि डेप्रिसिएशन को कहां रिकॉर्ड करते हो, तो क्या बताओगे आप? कहना सर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। मेरे बच्चे ना कहना कि आप बैलेंस शीट में दिखाते हो। अरे बैलेंस शीट से हम माइनस कर रहे हैं, हम बैलेंस शीट से हटा रहे हैं मेरे बच्चे, क्योंकि अब वो मेरा एसेट्स नहीं रहा, वो क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया, और एक्सपेंस कहां रिकॉर्ड करेंगे? आपका प्रॉफिट लॉस में। तो दिस इज द वे टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? एडजस्टमेंट सिखा रहा हूं, बच्चे का खेल है। अरे ये तीसरी चौथी क्लास के बच्चे को भी जब वो खेल रहे होंगे फील्ड में, उनको बैठा के 5 मिनट समझा दूं, उनको बातें समझ में आ जाएंगे। आप तो ऐसे इंसान हो कि मैं क्या बताऊं, जब मैं आपके चेहरे को देखता हूं ना, मैं सच्चाई बता रहा हूं, जब मैं इमेजिनेशन में आता हूं कि आपका चेहरा कैसा दिखता होगा, तो मुझे आपके चेहरे में यहां पे 5-6 सर दिखाई देते हैं, भगवान वाले, जैसे ब्रह्मा जी के होते हैं, हाँ, रावण वाले की बात नहीं कर रहा, तो 5-6 सर मुझे दिखाई देते हैं कि मतलब यहां भी, मतलब क्या जबरदस्त आपकी शक्तियां हैं। आपको नहीं दिखेगा, आपको नहीं दिखेगा, लेकिन मैं फील कर सकता हूं, बात मानो। तो मैं वही बता रहा हूं कि हमने क्या किया एक्सपेंस। तो सुनो मेरी बात दोबारा, कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया मेरे बच्चे, वो 2 लाख हमने यहां से हटा दिया, क्योंकि अब वो मेरा एसेट्स नहीं रहा, हमने उसका बेनिफिट ले लिया, वो क्या बन गया? एक्सपेंस। एक्सपेंस कहां यहां रिकॉर्ड करेंगे? प्रॉफिट लॉस में, ठीक है? ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब कैश, कैश तो साल के एंड का है, वो तो लिख ही दिया मैंने, दोबारा क्या लिखना आपका? और मेरे बच्चे क्लोजिंग स्टॉक 60,000, पहले से जानते हैं, दोबारा बता दूं, फर्ज है मेरा आपको समझाना। अरे जितने भी आपने यहां पे खर्च लिखा मटेरियल का, ध्यान सुनना, लिखना नहीं आप, ये 40,000 क्या था? मटेरियल था हमारा, रॉ मटेरियल का स्टॉक जो हमने इस बार फैक्ट्री में डाला है, पिछले साल का बचा हुआ है। 190 का मटेरियल हमने और डाला यहाँ पे फैक्ट्री में यूज करने के लिए। टोटल फैक्ट्री में रॉ मटेरियल कितना आ गया? 2,30,000 रुपए, है ना बच्चे? जो 2,30,000 का फैक्ट्री में आपने रॉ मटेरियल डाला था यूज करने के लिए, कि फैक्ट्री में उसको हम यूज करेंगे, बच्चे उसमें से कहता है कि 60,000 का रॉ मटेरियल बच गया। जो 2,30,000 का रॉ मटेरियल आपका यहां पर दिख रहा है, उसमें से कहता है कि 60,000 का रॉ मटेरियल बच गया। तो जो बताओ जरा, जो बच गया, क्या वो फैक्ट्री में यूज हुआ? क्या इस 2,30,000 जो आपने अभी तक रॉ मटेरियल यहां पर रिकॉर्ड किया है, क्या ये 2,30 पूरा यूज हो गया मेरे बच्चे फैक्ट्री में? नहीं हुआ, नहीं हुआ मेरे बच्चे, क्योंकि इसमें से कहता है कि 60,000 बच गया एज क्लोजिंग स्टॉक। मेरे प्यारे बच्चे, अगर वो बच गया तो इस साल वो यूज नहीं हुआ, और अगर वो इस साल यूज नहीं हुआ तो आपने उसका बेनिफिट इस साल नहीं लिया, हमने उसको यूज नहीं किया। इसका मतलब कि हमें इस 230 में से ये 60,000 माइनस करना होगा। क्यों माइनस करना होगा? क्योंकि हमने उसको इस साल यूज नहीं किया, वो हमारा एक्सपेंस नहीं है। आओ ना, इस 230 में से माइनस करते हैं। लेकिन किसमें से माइनस करूं? इसमें से माइनस करूं कि इसमें से माइनस करूं, या थोड़ा सा यहां पे, या थोड़ा सा यहां पे, या आधा आधा? कौन टेंशन लेगा, कौन टेंशन लेगा मेरे बच्चे? हमारे अकाउंट्स ने कहा है कि माइनस करने के 2 तरीके, या तो यहीं पर माइनस कर दो जैसे इसको किया, या फिर जितना आपको वैल्यू यहां से माइनस करना है उसको दूसरे साइड लिख दो। जो भी वैल्यू आपको यहां से माइनस करना है उसको अपोजिट साइड लिख दो। तो जरा बताओ हमें इसमें से कितना माइनस करना है? 60। आओ ना, उस 60,000 को हम लिखते हैं यहां पे बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 60,000 का मतलब हो गया कि हम लोगों ने फैक्ट्री में जो खर्चे दिखाए थे रॉ मटेरियल के, उसमें से 60,000 हमने हटा दिया। वो हमारा एक्सपेंस नहीं है, वो हमारा एक्सपेंस नहीं है, वो क्या है हमारा? वो हमारा एसेट्स है। अरे जो इस साल हम यूज नहीं कर पाए उनको अगले साल यूज करूंगा, और जो भी हमें अगले साल बेनिफिट देगा, अगले साल देगा, जो अगले साल यूज किया जाएगा, वो सब हमारे एसेट्स होते हैं मेरे बच्चे। तो ये क्लोजिंग स्टॉक जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट से हटाया है, उस क्लोजिंग स्टॉक को आपको एज स्टॉक यहां पे एंड में बैलेंस शीट में लिखना होगा, एज स्टॉक, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस शीट है। तो क्लोजिंग में क्लोजिंग क्या लिखना? सिंपली लिख दो स्टॉक। आप चाहो तो क्लोजिंग स्टॉक भी लिख सकते हो, बट अच्छा स्टॉक होता है क्योंकि क्लोजिंग ऑलरेडी बैलेंस शीट आपका है। दोबारा सुनिए,
दोबारा सुनिए, आपके मम्मी पापा आपको पीट रहे हैं, आपको इतना पीटे कि हाथ पैर सारे लाल लाल हो चुके मेरे बच्चे, आप रोए जा रहे हो और ऊपर से पीटे जा रहे हैं। उसी टाइम मैं आपके घर में आ गया और मैंने पूछ दिया आपसे कि जरा बताओ, रोते रोते ही कम से कम बताओ कि क्लोजिंग स्टॉक को आपने ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों दिखाया। पूछ दिया मैंने कि क्लोजिंग स्टॉक को आपने ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों दिखाया, आप रोते रोते मुझे रोकना और कहना कि सर आप गलत बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो, क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा नहीं रहे, हम यहां से माइनस कर रहे हैं, हम यहां से हटा रहे हैं, ये हटाया जा रहा है क्योंकि 60 यहां पे माइनस करने के बजाय दो आइटम थे, किसने से माइनस करता, इसलिए हमने यहां लिख दिया हम यहां से माइनस कर रहे हैं, हम ट्रेडिंग से हटा रहे हैं। कहां दिखाने के लिए? बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में दिखाने के लिए मेरे बच्चे, क्योंकि जो स्टॉक बच गया वो अगले साल यूज होगा और आज जो भी हमें कल बेनिफिट देगा वो सारे हमारे सेट्स होते वो हमने यहां पर रिकॉर्ड किया। एक एक बात आपको समझा रहा हूं, एक एक बात, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि फिर इसके बाद क्यों परेशानी क्रिएट होगी, आपको सवाल ही नहीं बनता कि आपको परेशानी होगी, बस शब्दों पे कमांड करो, जो समझा रहा हूं समझो, अभी दिमाग में इफ और नहीं, पूरे चैप्टर को मेरे साथ चलने दो। जैसे जैसे मैं लेके चल रहा हूं आपको इतनी शांति मिलेगी ना चैप्टर खत्म होने के बाद कि क्या बताऊं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझते समय इफ और ना है कि ऐसा होगा तो क्या होगा वैसा, वो मेरे भी दिमाग में है, मैं भी जानता हूं, मुझे मैंने तय किया है जगह, मैं वहां पे उस बात को आपको समझाऊंगा, अभी आप इसको रिकॉर्ड कर लो। ठीक है सर, तो जरा बताओ क्लोजिंग स्टॉक कहां दिखाते हैं? बैलेंस शीट में। यहां नहीं दिखाते? ना ना, यहां से तो हमने हटाया है, हटाया। और भी कुछ है? सर तीनों एडजस्टमेंट हो चुके हैं, सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी है, सर अब बस खत्म हो गई बात, आओ जरा देखते हैं इसको क्लोज करके कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है कि ग्रॉस लॉस है। मेरे बच्चे 875 प्लस 60 कितना हो गया? 935,000, यहां पे 935 है ना, तो यहां भी आपका 935 होगा, जगह थोड़ा बनाऊं, ग्रोस प्रॉफिट लिखना हमने, ये हो गया 935,000 और 935 में जरा इनको माइनस कीजिए क्या निकल के आ रहा है, तो 935,000 में से माइनस करेंगे आपका 40,190, आपका 18,000 और आपका 1,90,000, तो मेरे बच्चे ये अमाउंट आपका निकल के आ गया, ये 4,97,000। आप जानते हैं डेबिट में अगर बैलेंसिंग फिगर है 497, तो हम इसको ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट, ये क्या लिखा गया? टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है ना, तो मैं जगह थोड़ा कम है, ये ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट, और ये ग्रॉस प्रॉफिट फिर यहां लिखिए क्योंकि फैक्ट्री के बाद के जो खर्चे हुए हैं उनको माइनस करके हम फिर एनपी निकालते हैं, तो 4,97,000 आपने यहां पर रिकॉर्ड किया, 497। आओ ना इस 497 में इसको माइनस करके मैं यहां पे नेट प्रॉफिट निकाल दूं कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना आपका हुआ है। 497 माइनस 3 लाख का अमाउंट, मेरे बच्चे ये अमाउंट आपका आ गया 1,97,000। और आप जानते हैं कि जो 1,97,000 का जो प्रॉफिट आया वो कैपिटल में आके प्लस हो जाएगा, अगर प्रॉफिट तो प्लस, लॉस तो माइनस, कितना जी 1,97,000, यानी कि अब जो हमारा कैपिटल है एंड में वो कितना हो चुका है 13,97,000। जितना भी कंपनी ने फर्म ने कमाया वो मालिक का ही तो है, तो मालिक के कैपिटल में हम ऐड कर देंगे। जरा मुझे बताओ दोनों साइड आपका टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कितना हो गया? 13,97,000 प्लस आपका 8,000 का अमाउंट और प्लस आपका 8 लाख का अमाउंट, तो फिर बच्चे इधर आ गया 22,05,000 और यहां कितना आ गया जी, यहां भी आपका 22,05,000 था, आना ही था, टैली करना ही था क्योंकि हमने बहुत प्रॉपर तरीके से काम किया और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समझ रहे हो ना, इस चैप्टर में कुछ ट्रिक्स भी है जो आगे समझाऊंगा, अभी नहीं, अभी तो बस कॉन्सेप्ट पे आप मास्टरी करो। हम लोगों ने क्या किया, प्रॉपर तरीके से आपको बताया, क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट को हमने सीखा, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बारे में सीखा और वेजेस ड्यू बट नॉट पेड जो आपका है हमने उसके बारे में भी देखा। एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लो, मुझे कुछ नोट आपको लिखाना है, ऐसे मैंने अकाउंटिंग टर्म्स में सब नोट लिखाए हुए हैं, अकाउंटिंग टर्म्स जब आपने चैप्टर शुरू किया था और कई बार हम लोगों ने ऐसे वर्ड यूज किए, बट फिर भी कोई बात नहीं, लिखेंगे आप यहां पे लिखेंगे नोट नंबर वन, नोट नंबर वन आपका कहता है कि मीनिंग ऑफ, लिखिए मेरे साथ मीनिंग ऑफ
आउटस्टैंडिंग 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 एक्सपेंस. मीनिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इट मीन्स फर्म हैज टेकन बेनिफिट बट पेमेंट हैज नॉट बीन मेड, बट पेमेंट हैज नॉट बीन मेड. मेरे बच्चे अभी तक इसका पेमेंट नहीं हुआ है. बस आपका एक्सपेंस तो हो चुका, हमने बेनिफिट तो ले लिया बट अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है. इट इज ट्रीटेड, लिख दो आप ट्रीटेड एज लाइबिलिटी. ये हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट. ये हम बैलेंस शीट में क्या करते हैं मेरे बच्चे, एज लाइबिलिटी दिखाते हैं. मत कहना कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक्सपेंस है ना बच्चे, एक्सपेंस तो वेजेज है, ये नाम दिखेगा तो एक्सपेंस है. आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, लाइबिलिटी है जो बैलेंस शीट में गया. ये देखो आप, ठीक है ना, ये बैलेंस शीट में आपका, ये नोट आपका हो गया मीनिंग आपका. मीनिंग अगर कहता है, नोट नंबर टू लिखेंगे आप, अगर कोई ट्रीटमेंट पूछ दे कि ट्रीटमेंट क्या होगा ऑफ आउटस्टैंडिंग मान लो वेजेज आपका, कोई बोले कि बताओ इसका ट्रीटमेंट क्या हो, मीनिंग आपने बता दिया, मीनिंग में क्या बोलेंगे, लायबिलिटी है बस, लेकिन ट्रीटमेंट क्या करोगे ऑफ आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो आप ट्रीटमेंट बताना मेरे बच्चे. हमने क्या किया था, नंबर ए, एक तो एडेड इन वेजेस अकाउंट, कहां पे, ट्रेडिंग अकाउंट में. ट्रेडिंग अकाउंट में हमने क्या करना जी, इसको ऐड करना. देखो हमने जैसे इसको ऐड किया था, और दूसरा क्या आपका शोन, ये शो किया जाता है इन बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. हम इसको बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं. तो ये देखो हमने बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखाया था, यही काम होगा. आउटस्टैंडिंग वेजेज होगा तो आप वेजेज में ऐड कर देना, आउटस्टैंडिंग सैलरी होगा तो सैलरी में ऐड कर देना, क्या फर्क पड़ता है जिसका बोले. अगला क्वेश्चन आपके लिए, मैं एडजस्टमेंट्स को बढ़ाते जाऊंगा, कॉन्सेप्ट में मास्टरी कराते जाऊंगा और आपको स्ट्रॉन्ग करते जाऊंगा. आप बस इसकी कॉपी कर लो, एग्जाम्पल नंबर टू में करके अब दिखाऊंगा मेरे बच्चे. अभी बुक को आपको मेरे साथ नहीं देखना है, बस आपको मेरे साथ यहाँ पे सुनना मैं क्या बता रहा हूं, आपको अच्छा लगेगा. ये चैप्टर पे कमांड कर लो, मैं सच्ची बता रहा हूं. मैं CA CMA CS MBA पता नहीं कौन कौन से बच्चों को पढ़ाता हूं, लेकिन सारे बच्चों को देखा गया है कि इस चैप्टर में अक्सर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, और इसी के चलते उनका अकाउंट्स आगे बड़े लेवल पे जाके खराब हो जाता है. कम से कम वो अब आपके साथ तो नहीं होगा, कम से कम आपके साथ तो नहीं होगा. तो मैं अब आपको यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर टू दिखाता हूँ. लिखिए मेरे साथ यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर टू. फिर से एक ट्रायल बैलेंस आप मेरे साथ बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस, और आप लिखेंगे यहाँ पे एज ऑन, या लिख दो फॉर द ईयर, ये तो पूरे साल का बन रहा है, फॉर द ईयर ended on 31st March, या यही कर देता हूं जगह थोड़ा, चलो कोई नहीं, उधर हमें बनाना है वो भी ना, ended on 31st March 2019, डेट कुछ भी हो सकता है, मैटर नहीं करता. ये लीजिए, ये हमारे ट्रायल बैलेंस के दो कॉलम है, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट, तो हमारा डेबिट साइड दूसरा क्रेडिट साइड. लिखिए मेरे साथ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ये कहता है मान लो 50,000 का अमाउंट है. साथ साथ लिखेंगे, आगे पीछे नहीं, साथ साथ लिखना आपने. तो ओपनिंग स्टॉक कहता है 50,000, कहता है कि परचेजेज हमने यहां पे 8 लाख का गुड्स परचेज किया है, 8 लाख का. फिर कहता है कि सेल्स, ये कहता है कि हमने 25 लाख के गुड्स सेल किए हैं, बेचा है मेरे बच्चे 25 लाख का. फिर इसके बाद कहता है आपका यहां पे वेजेस, चलो मैं वेजेस ले लू यहां पे 1 लाख का अमाउंट, 1 लाख का अमाउंट. फिर कहता है सैलरी, लो इस बार सैलरी को भी डाल दिया, ये कहता है कि 2,50,000 का अमाउंट, 250. एक नाम और ले लो, जब बातें उठी हैं तो रेंट, रेंट कहता है आपका यहां पे हमने पे किया है 2 लाख का अमाउंट, 2 लाख का अमाउंट, ठीक है ना. उसके बाद आप कुछ नाम और बताइए आप,
आप नाम बताओ कुछ यहाँ पे, जैसे कि आपका कैपिटल, कैपिटल आपका यहाँ पे 7 लाख का अमाउंट हो गया, 7 लाख। ये कहता है हमारा मान लो आपका बैंक लोन, ये तो लायबिलिटीज हैं जो बैलेंस शीट में जाते हैं, तो पहले से आपको पता है 2 लाख का अमाउंट। इस बार एसेट्स में 2 बढ़ा देता हूं, एक बिल्डिंग लेता हूं, एक बिल्डिंग और एक ले लेता हूं आपका फर्नीचर। फर्नीचर साथ साथ लिखना है, अभी बुक को बिल्कुल रेफर नहीं करना आपने। मेरे बच्चे पहले ये बता दो जल्दी से आपका, और एक आपका कैश यहाँ पे कैश। तो जरा मुझे ये बताओ पहले आपका ये जो क्रेडिट है टोटल कितना आ गया, 34 लाख है ना आपका, 34 लाख में। चलो बिल्डिंग जो यहाँ पे है मैं इसकी वैल्यू आपको दे देता हूँ, पहले कैश ले लो, कैश ले लो यहाँ पे 3 लाख का अमाउंट मान लो, 3 लाख रुपीज कैश आपका। तो 34 लाख में से, 34 लाख में से आपका 3 लाख कैश कितना बच गया अभी, और मैं क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूँ, 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8, 8, 59, 17 लाख ये हो गया, यानी कि 17 लाख बच गया। तो 17 लाख में ये ले लो आप यहाँ पे 10 लाख का, 10 लाख का अमाउंट, और यहाँ पे आपका 7 लाख का अमाउंट है ना। अब चेक करो 34 34 टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये तो ठीक है हो गया बच्चे। अब लिखो मेरे साथ यहाँ पे एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 1 कहता है, कहता है यहाँ पे कि एक तो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक रुपीज 40,000 ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 2 कहता कि चार्ज डेप्रिसिएशन, चार्ज डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन ऑल फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स एट द रेट ऑफ 10%। ऑल फिक्स्ड में क्या हो गया, बिल्डिंग आ गया और फर्नीचर आ गया, ये तो 2 है आपका। तीसरा लिखो यहां पे, कहता है कि वेजेज आउटस्टैंडिंग, वेजेज आउटस्टैंडिंग रुपीज 20,000। ये वेजेस कितना पे किया था, 1 लाख ना, और अभी बकाया कितना, 20,000। यही नहीं, फिर कहता है एंड एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग, मतलब सैलरी भी बकाया है, सैलरी आउटस्टैंडिंग, दोनों का उसी तरीके स्टेटमेंट जैसे मैंने किया था, रुपीज 30,000। और मेरे बच्चे एक फोर्थ नया चीज जो मैं आपके साथ ऐड कर रहा हूं, कहता है कि रेंट इंक्लूड्स, रेंट इंक्लूड्स रुपीज, कितना रेंट पे किया था हमने टोटल, 2 लाख ना, इसमें से कहता है रुपीज आपका 45,000 पेड फॉर, पेड फॉर नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर अगले साल का आपका 45,000 हमने पे किया है। इस बार 4 एडजस्टमेंट बोलता है कि आपका बताओ कैसे अकाउंटिंग होगा। मेरे बच्चे मैं यहाँ पे सॉल्यूशन में आपको एक तो बनाऊ ट्रेडिंग अकाउंट, मुझे बहुत सारी बातें करनी है इस चैप्टर में, सच्ची बता रहा हूं। ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे, ये लीजिए बहुत सारे आइटम तो नहीं है, पिछली बार से थोड़ा कमी दिख रहे हैं, बट चलो हमें इतना काफी है, पिछली बार से थोड़ा सा कमी आप जगह ले सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के लिए, अगर जगह बच गया था पिछली बार। तो इस बार प्रॉफिट लॉस में नाम थोड़े बढ़ गए हैं, तो मैं प्रॉफिट लॉस को थोड़ा बड़ा करूंगा। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट रहा, ये लीजिए मैं इसको भी थोड़ा सा बड़ा करूंगा पिछली बार से, और एट लास्ट हम लोग यहां पे बनाएंगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट आपका जो साल के एंड में बनता है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, ये डेट लिखा था ना मैंने सर, हाँ, तो जो डेट हो क्या फर्क पड़ता डेट से, हम उस दिन का यहाँ पे बैलेंस शीट बना देंगे। आओ ना अब मैं आपको बताऊं यहाँ पे बातें कैसे निकल के आएंगी। मैं शुरू करता हूं, ओपनिंग स्टॉक ये यहां चला गया। पता है एक सवाल बच्चों के दिमाग में उठ सकता है टू ओपनिंग स्टॉक, कि सर ओपनिंग स्टॉक अगर साल के स्टार्टिंग का स्टॉक है, साल के स्टार्टिंग का, तो फिर वो ट्रायल बैलेंस जो एंड में बन रहा है वो क्यों दिख रहा है। जब ट्रायल बैलेंस सर एंड में बन रहा है तो एंड में बने हुए ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक क्यों दिख रहा है,
मेरे प्यारे बच्चे, इसका आंसर ये है कि इस ट्रायल्स में आप जब एंड में बना रहे हो तो जो भी इस साल एक्सपेंस, कैपिटल लायबिलिटी, एसेट्स या फिर आपका इनकम माना गया होगा, उन सबको रिकॉर्ड किया जा रहा है। मतलब ये वो है जो पिछले साल से आ रहे हैं, तो इस बार क्या माना गया, एक्सपेंस माना गया तो इस साल ही तो माना गया, इस साल का ही तो है, तो इस साल हमें दिखाना तो पड़ेगा। पिछले साल ये क्या दिखा होगा, एसेट्स दिखा होगा नीचे में एडजस्टमेंट में, इस बार वो हमारा एक्सपेंस दिख रहा है, ठीक है ना। तो आओ जरा, ये एक्सपेंस हमने 50 रिकॉर्ड किया, परचेजेस लिखेंगे आप यहाँ पे 2 परचेजेस। क्या मैंने कोई परचेज रिटर्न की इस पर बात की है क्या, नहीं सर। क्या परचेज पे कोई एडजस्टमेंट की बात की है क्या, नहीं सर। तो लिखो ना 8 लाख सीधे बाहर कर दो। सेल्स मेरे बच्चे यहां लिखिए, बाय सेल्स। क्या सेल्स रिटर्न की मैंने बात की है क्या, नहीं। अच्छा मैं यहां अकाउंट नहीं लिख रहा तो भी अकाउंट लिख देना आप, दे ऑल आर अकाउंट। तो बाय सेल्स अकाउंट कितना हो गया, 25 लाख। ये 25 लाख की एंट्री आपके यहाँ पे हो गई है ना। कुछ यार वेजेज आप लिखो ना, 2 वेजेज। और क्योंकि अभी आप समझ चुके हैं तो मैं डायरेक्टली करूंगा, जरा बताओ वेजेज हमने पे कितना किया है। सर 1 लाख, लिखो यहाँ पे 1 लाख अमाउंट अंदर में, 1 लाख। अच्छा बताओ वेजेज अभी पे करना कितना बकाया है, नीचे देखो आप, आउटस्टैंडिंग कितना है, 20,000। तो जो पे हो गया वो भी एक्सपेंस है और जो आउटस्टैंडिंग है 20,000 वो भी एक्सपेंस है, यानी कि वेजेस टोटल हमारा एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड किया जाएगा, 1,20,000। मेरे बच्चे वेजेस हमारा एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड हो गया, 120। आप मुझे बताओ 120 में से कितना पे कर चुका हूं, 1 लाख। जो पे कर चुका हूं कैश में से माइनस हो चुका होगा, एंड का कैश है, दोबारा नहीं करेंगे क्योंकि वेजेस हमने साल के बीच में पे किया होगा, 28 तारीख को 29 इवन 31 को भी पे किया होगा, तो वो माइनस करने के बाद ही अमाउंट है एंड का आपका, तो हम दोबारा माइनस नहीं करेंगे। हाँ जो आउटस्टैंडिंग है वो हमारी लायबिलिटी बन गई और उसको मैं यहां रिकॉर्ड करूंगा, आउटस्टैंडिंग वेजेज अकाउंट। इवन यहां पे वर्कर्स का नाम भी दिया रहेगा तो हम नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि अकाउंट में हम जनरली क्या लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग आपका, तो आउटस्टैंडिंग वेजेज आपका 20,000 यहां लिखा, 20 हमने यहां पे हमने एक्सपेंस दिखाया जी 120 और यहां पे आपका ये, ठीक है ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, आपका यहीं से बढ़ेंगे सैलरी। मेरे बच्चे सैलरी तो प्रॉफिट लॉस का आइटम है, तो सैलरी जरा बताओ हम लोगों ने पे कितना किया है, ये देखो आपका 20,250 अंदर लिखो क्योंकि एडजस्टमेंट इसके ऊपर भी 250 का अमाउंट, इतना पे किया और कहता है कि सैलरी अभी आउटस्टैंडिंग है, मतलब पे करना है। तो मेरे बच्चे आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि ड्यू हो चुका है, ड्यू का मतलब कि हमने आपसे काम ले लिया बस पेमेंट नहीं किया है, और अगर काम ले चुके हैं तो ये भी आउटस्टैंडिंग यहाँ पे ऐड होके एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे हमने वेजेज के साथ किया था, यानी कि 2,80,000। अरे इम्प्लॉई से अगर मैं काम ले चुका हूं तो पेमेंट हुआ चाहे पेमेंट नहीं हुआ क्या फर्क पड़ता, एक्सपेंस तो रिकॉर्ड होगा, हमारा अकाउंट काम करता एक्रूअल बेसिस पे। एक्रूअल का मतलब होता है ड्यू बेसिस, ड्यू बेसिस का मतलब क्या कि पेमेंट हो चाहे पेमेंट ना हो, अगर करंट ईयर का है तो उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाएगा, हमने करंट ईयर में बेनिफिट लिया एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया, जो पे हो चुका है वो हमारे कैश में से माइनस हो चुका होगा, जो पे करना बकाया है उसको लायबिलिटी के रूप में रिकॉर्ड किया गया, खत्म बात। हाँ कहां लिखा, लिख दो यहां पे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, तो आप यहां पे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट आप यहां पे रिकॉर्ड करेंगे। ये वर्कर्स को हम वेजेस पे करते हैं, इंप्लॉय को सैलरी पे करते हैं, तो वर्कर्स का जो है वो एक्सपेंस आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, इनका प्रॉफिट लॉस में आता है, ठीक है। सर ये दोनों को इकट्ठा नहीं कर सकते, क्यों करेगा इकट्ठा बदमाश, उल्टे सीधे सवाल। अरे सुबह दोपहर शाम का खाना सब एक साथ खाते हो क्या, सबको ऐसे से खाता है क्या, नहीं सर। तो सजाओ ना ठीक से, जब सजेगा तो अच्छा लगेगा, समझ रहा है। ऐसा नहीं कि पूरे बॉडी का कपड़ा हमने क्या किया सर में बांध लिया, ऐसा नहीं होता, जहां पे जिसका जो कपड़ा है वहां पे हम पहनते हैं, समझिए मेरी बात। यहाँ पे तो प्रॉपर तरीके से सजाएंगे चीजों को, जो जहां पे जाएगा अलग अलग चीजें अलग अलग रिकॉर्ड करो, ठीक है सर। सैलरी हो गया, रेंट, पर बच्चे रेंट भी एक्सपेंस है, मैं यहां पर रिकॉर्ड करूंगा रेंट, और रेंट जरा बता दो हमने, रुक जाओ रेंट कितना, 2 लाख मत लिखना आगे, बिल्कुल शांत हो जाओ, मुझे रेंट भी आपको समझाना है, आज बस भूख लगी मेरे बच्चे आपको समझाने का और कुछ नहीं। और जरा बताओ कि एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, जरा बताओ एक्सपेंस का मतलब क्या होता है। सर बेनिफिट लेना, बेनिफिट अगर हमने ले लिया है तो हमारा एक्सपेंस है। अच्छा बताओ एसेट्स का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, सर जिसका बेनिफिट आपको अभी फ्यूचर में मिलेगा वो हमारा एसेट्स है। मेरे बच्चे
कहता है कि रेंट जो हमने, ये देखो क्या था, ये देखो क्या था, ये करंट ईयर है, ये 1st 4 2018 से लेकर 31st मार्च 2019, मान लो ये मेरा करंट ईयर है, करंट ईयर। मेरे पास क्या है कि ये एक बिल्डिंग है जो मेरे पास यहाँ पे मैंने रेंट पे लिया हुआ है, ये बिल्डिंग जो है मेरे पास वो क्या है जी, रेंट पे आपका लिया हुआ है। तो हुआ क्या कि जो करंट ईयर का रेंट है ना, करंट ईयर का रेंट वो मेरा है आपका इसका 1,55,000, ऐसे डमी फिगर है, मतलब दिमाग से बना रहा हूं। जो रेंट मेरा करंट ईयर का है, जो एक साल में रेंट में अपने लैंडलॉर्ड को, मकान मालिक को पे करूंगा, कितना है, 1,55,000। लेकिन मेरे लैंडलॉर्ड ने कहा कि देखो जी अगले साल मुझे कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट है, मेरी बेटी की शादी है, मेरे बेटे की शादी है, मुझे बेटी को पढ़ाना है, बेटे को पढ़ाना है, वाइफ को पढ़ाना है, वाइफ की शादी नहीं, मतलब पढ़ाना है, समझो मेरी बात यहाँ पे। तो मुझे क्या करना है कि मुझे अगले साल कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट है, कुछ पैसा मुझे अभी दे दो, इस साल ही अगले साल एडजस्ट कर लेना। तो मेरे बच्चे मैंने क्या किया, ये 1,55,000 + 45,000 मैंने, जरा बताओ टोटल कैश कितना दे दिया, टोटल कैश मैंने उनको कितना पे किया, जरा बताओ टोटल कैश जो पे किया फॉर रेंट मैंने कितना पे कर दिया, सर 2,00,000 रुपए। मेरे प्यारे बच्चे करंट ईयर में, करंट ईयर में मैंने यहां पे क्या किया, 2,00,000 रुपए उनको पे कर दिया कि ठीक है जी आप लो और इस पैसे से जाके, एक तो 1,55,000 करंट ईयर का है और 45,000 जो अगले साल का रेंट है उसमें से भी कुछ पैसा मैंने अभी दे दिया, मतलब रेंट तो और भी ज्यादा रहा होगा लेकिन 45,000 रुपए भी दे दिया एडवांस के रूप में कि ठीक है अगली बार एडजस्ट कर लेंगे। मुझे बताओ, मुझे बताओ कि करंट ईयर में कैश मैंने कितना पे किया रेंट के नाम पे, 2,00,000 रुपए, 2,00,000 पे किया, लेकिन 2,00,000 में से एक्सपेंस कितना हुआ, क्या मैंने 2,00,000 जो पे किया है क्या पूरे 2,00,000 रुपए का करंट ईयर में बेनिफिट ले लिया, नहीं सर नहीं, आपने करंट ईयर में जो बेनिफिट लिया वो सिर्फ और सिर्फ आपका 1,55,000 है जो करंट ईयर का रेंट है। अरे जो 45,000 आपने एक्स्ट्रा पे किया है ये 45,000 का बेनिफिट अभी आपको फ्यूचर में यानी कि अगले साल मिलेगा और वो 45,000 जो आपने अगले साल का पेमेंट किया है वो आपका एक्सपेंस नहीं है सर, वो तो आपका एसेट्स होगा। अरे पैसा पे करना है थोड़े एक्सपेंस होता है, बिल्डिंग परचेज किया, मशीन परचेज किया, हमने आपका कुछ भी परचेज किया और पेमेंट किया तो क्या एक्सपेंस हो जाएगा, नहीं होगा, एक्सपेंस का मतलब बेनिफिट लेना होता है करंट ईयर में। तो मेरे बच्चे ये कहता है कि रेंट हमने कितना पे किया है, 2,00,000 रुपए, तो रेंट जो पे किया है क्वेश्चन के मुताबिक 2,00,000, या ऐसा कह दो कि रेंट के नाम पे जो कैश पे किया वो 2,00,000 रुपए। फिर आगे वो समझा रहा है कि भैया इसमें से जो रेंट आपने पे किया है इसमें से 45,000 जो है वो आपने अगले साल का पे किया है। तो मेरे बच्चे जरा बताओ कि 2,00,000 रुपए अगर आपने रेंट के नाम पे रिकॉर्ड कर दिया है क्या एक्सपेंस 2,00,000 रुपए है क्या, नहीं सर उसमें से 45,000 हमारा एक्सपेंस नहीं है, क्या है वो सर, वो एसेट्स है अगले साल बेनिफिट देगा। तो मेरे प्यारे बच्चे आप इसमें से क्या करना, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड मतलब जो एडवांस में आपने रेंट पे किया है उस 45,000 को आप यहां से माइनस कर देना, प्रीपेड का, प्रीपेड जो पे कर दिया प्री पहले ही मतलब अगले साल का पेमेंट अभी कर दिया तो एक्सपेंस यहां कितना हो गया 1,55,000 एक्सपेंस, वही तो जो करंट ईयर का है, 2,00,000 में 45,000 हमारा एक्सपेंस तो नहीं है, वो तो हमारा एसेट्स है हमने हटा दिया, ये 45,000 अगर वो एक्सपेंस नहीं है तो क्या है सर, एसेट्स है, और एसेट्स कहां जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर में, बैलेंस शीट में। तो मैं क्या करूंगा, प्रीपेड रेंट, ये जो आपका प्रीपेड रेंट है मेरे बच्चे उसको मैं एसेट्स के रूप में रिकॉर्ड करूंगा, कितना 45,000, ये देखिए आप 2,00,000 में 45,000 रुपए हमने हटा दिया 1,55,000 और जो 45,000 है उसको हमने क्या किया यहां पर रिकॉर्ड किया एसेट्स ग्रुप में जिसका बेनिफिट अभी आपको फ्यूचर में मिलेगा। सारी दुनिया आपके अगेंस्ट हो गई, कोई आपसे बात नहीं करता, खाना पीना सब बंद हो चुका है, कोई खाना पीना नहीं देता, मतलब सभी लोग निर्दयी हो चुके हैं, आप बहुत शोक में डूबे हुए हो, आपको जीने का कोई फायदा नजर नहीं आता कि क्यों जीऊं, क्या फायदा, क्या उससे होगा, भगवान भी आपसे निराश हो चुके हैं, कहीं पे देखो तो सारे फूल मुरझाए हुए हैं, इतने मतलब सब कुछ खराब है मेरे बच्चे, सभी खराब है, आप बहुत दुख में हो। और उसी बीच में मैं आपके पास आ गया और पूछ दिया कि जरा बताओ ना कि ये प्रीपेड रेंट को, प्रीपेड रेंट को जो आपने यहां से, आपने यहां पे जो दिखाया वो क्यों दिखाया,
आपने प्रॉफिट लॉस में प्रीपेडेंट 45 क्यों दिखाया, तो क्या जवाब दोगे अपने दुखी मन से? आप कहना कि सर सवाल गलत है, आप कहना कि सवाल गलत है, क्योंकि 45,000 का जो अमाउंट यहां पे हम दिखा नहीं रहे हैं, हम यहां से मैनेज कर रहे हैं मेरे बच्चे, हम यहां से हटा रहे हैं, यहां से हट रहा है क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस नहीं है। देखो ना, हमने 2 लाख रुपीज कैश तो पे किया था, ये जो कैश हमारा है ना एंड में आपका, इसमें से कितना माइनस हो चुका है 2 लाख, क्योंकि हमने 2 लाख रुपए पे किया था। लेकिन 2 लाख में से जो हमारा एक्सपेंस है, जिसका हमने बेनिफिट लिया, जिसको हमने यूज किया, वो तो सिर्फ आपका 155 है। वो 45 जिसका अभी तक हमने बेनिफिट नहीं लिया, अभी आगे लूंगा उसका बेनिफिट मेरे बच्चे, वो हमारा एसेट स्टेट किया जाएगा। और एसेट्स कहां बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाएगा, बिल्कुल मैं कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूं, मैं एक भी शब्द का रेटिफिकेशन नहीं, आपके प्यारे प्यारे मास्टर जी हो सकता है सिखाएंगे कि प्रिपेडेंट होगा एडजस्टमेंट में, वहां से माइनस करना, यहां दिखा देना, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। आप बातें समझो ना, आपको बड़ा बनना है, ये 12वीं 11वीं क्लास में जिंदगी थोड़े गुजार देनी है, बहुत आगे बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है और बहुत कुछ करना है। इतने सारे सपने आपके हैं, इतने सारे सपने, उनको पूरा करना है, रट्टाफिकेशन में थोड़ा ही होगा, समझना पड़ेगा बातों को। तो मैंने बस बता दिया कि भैया 2 लाख जो आपने पे किया था, उनमें से 45 हमारा एक्सपेंस नहीं है, हम उसको हटा देंगे, एक्सपेंस जो करंट ईयर में वो उतना दिखाएंगे, वो हमारा है क्या एसेट्स, उसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ठीक है, ये भी हो गया, रेंट का भी काम पूरा हो गया मेरे बच्चे, कैपिटल वो तो बैलेंस शीट में आएगा, इसको मिटा दो, इसको रिक्वायरमेंट रही नहीं यहां पे। कैपिटल आप लिखो यहां पे, कैपिटल कितना बता रहा जी, 7 लाख अंदर में रिकॉर्ड करो, क्योंकि प्रॉफिट लॉस को प्लस माइनस करना है। अब बैंक लोन थोड़ा जगह छोड़ के लायबिलिटी लिखो यहां पे, ये बैंक लोन जरा बताओ लायबिलिटी आपका कितना बता रहा है, सर ये कहता है कि 2 लाख का अमाउंट, लिखो ना यहां पे 2 लाख का अमाउंट, कहता है कि बिल्डिंग है 10 लाख, मेरा एसेट्स मेरे बच्चे यहां रिकॉर्ड करूंगा, तो बिल्डिंग जो आपका 10 लाख का है उसको अंदर में रिकॉर्ड कीजिए यहाँ पे 10 लाख का अमाउंट। और हाँ, डेप्रिसिएशन बोल रहा है क्या सर? हाँ सर, वो बिल्डिंग ऑल फिक्स्ड यानी कि बिल्डिंग पे भी इस पे भी 10%। तो यहां से हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन को माइनस किया 10% यानी कि 1 लाख। क्यों माइनस किया? क्योंकि आउट ऑफ 10 लाख 1 लाख का बेनिफिट ले चुका हूं। तो बिल्डिंग की जो वैल्यू अब हमारे पास एसेट्स ग्रुप में रहेगी वो सिर्फ 9 लाख रुपए, और जो वैल्यू मैं यूज कर चुका हूं वो तो आपका प्रॉफिट लॉस में, तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। समझ रहे हो ना, जब वैल्यू हमने यूज कर लिया हमारा एक्सपेंस बन गया, जब तक यूज नहीं रहा वो हमारा, जब तक यूज नहीं किया हमारा एसेट्स रहेगा। तो अब हमारा एसेट्स 9 लाख, अगले साल फिर से कुछ वैल्यू यूज कर लोगे वो माइनस करके यहां चला जाएगा, फिर माइनस, ठीक है। और फर्नीचर आपका कहता है कि 7 लाख का, मेरे बच्चे फर्नीचर आप लिखो ना यहां पे, फर्नीचर 7 लाख अंदर में आपका, और आपने इसमें भी कहता है डेप्रिसिएशन आपका कितना जी, 70,000 मतलब 10%, तो ये बाहर कितना हो गया 6,30,000, और ये जो 70,000 वो यहां चला गया टू डेप्रिसिएशन ऑन आपका फर्नीचर। तो फर्नीचर पे जो हमारा डेप्रिसिएशन है वो कितना आ गया आपका 70,000 का अमाउंट यहां पे, 70,000। ठीक है, सेम रीजन, हमारा एसेट्स की वैल्यू हमने यूज कर लिया तो उतनी वैल्यू कम हो गई, वो यहाँ एक्सपेंस ग्रुप में रिकॉर्ड किया जाएगा। मेरे बच्चे ये भी आपका हो गया, बिल्डिंग भी हो गया, डेप्रिसिएशन भी हो गया। समझ रहे हो ना, माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यूज कर चुका हूं, वो अब हमारा एसेट्स नहीं रहा, क्या हो गया एक्सपेंस, एक्सपेंस ग्रुप में रिकॉर्ड करना। हो सकता है आपके मास्टरीज जो है वो आप या दोस्त आपके जो प्रिय है वो बोलेंगे कि भैया एडजस्टमेंट में जितने सारे आइटम्स होंगे उनकी 2 जगह रिकॉर्डिंग होगी, तो दो जगह ढूंढना थोड़े है, वो तो कॉन्सेप्ट है कि हमें रिकॉर्ड करना है, कोई चीज एसेट्स था पहले खत्म करो तो एक्सपेंस बन गया, करेंगे, ब्रह्मा जी ने बोला है, मैं अपनी बात कर रहा हूं। आप जानते हो कि चलो छोड़ो बाद की बात करें, अभी टाइम मेरा निकल जाएगा, बट मैं शॉर्ट में ब्रह्मा जी मैं हूं, वो आज से 500 600 साल पहले मेरे 3 3 4 4 सर हुआ करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे कलयुग आया सब एक एक खत्म हो गए मेरे बच्चे, अकेला बच चुका हूं, मतलब एक ही सर के साथ, ब्रह्मा मैं ही हूं, आप बात मानो। चलो खैर, मैं मुद्दे पे आता हूं, आप मत मानो मेरी बात, नहीं मानना तो मैं आगे बढ़ता हूं। कैश, कैश लिखो ना इस बार, हमने अभी नहीं लिखा है कैश यहां पे, कितना अमाउंट आपका है जी, 3 लाख का अमाउंट, तो 3 लाख का अमाउंट हमने यहां पे रिकॉर्ड कर दिया। और कुछ है? नहीं सर। क्या कुछ बचा यहां पे? सर नीचे में 1 2 3 हो गया, क्लोजिंग स्टॉक 40,000, क्लोजिंग स्टॉक मुझे यहां से माइनस करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस साइड लिख दूंगा बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना जी, 40,000, ये हमने हटा दिया, कहां ले जाने के लिए, बैलेंस शीट में। तो स्टॉक जो आपका है उसको यहां रिकॉर्ड कीजिए 40,000, क्योंकि ये अगले साल आपका यूज होगा,
बस खत्म होगी बात, इसे क्लोज करो। जरा बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, जरा बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कितना आपका, ग्रॉस प्रॉफिट तो ये 25,40,000 यहां चला गया, 25,40,000 यहां चला गया। इसमें से आप इनको जरा बताओ माइनस करो, 25,40,000 माइनस 9,70,000, 970 हटाया तो मेरे बच्चे ये आ गया 15,70,000, 1570। इस ग्रॉस प्रॉफिट को आप यहां रिकॉर्ड कीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट आपका 15,70,000 और इस 1570 में से आप इनको माइनस कीजिए, 15,70,000 में से कितना जी, एक आपका हो गया 2,80,000 सैलरी, फिर आपका रेंट 155, और फिर ये दोनों मिला के 170, तो मेरे बच्चे ये आ गया आपका 9,65,000। क्या बोलूंगा मैं इसको सर, नेट प्रॉफिट। तो ये नेट प्रॉफिट निकल के आ गया, और आप जानते हैं इस प्रॉफिट को मैं क्या करने वाला हूं, कैपिटल में लाके ऐड कर दूंगा। नेट प्रॉफिट, नेट लॉस होगा तो माइनस, प्रॉफिट तो प्लस, 9,65,000। तो मेरा कैपिटल कितना हो गया, 16,65,000। जरा बताओ ये दोनों साइड का टोटल कितना आ रहा है, तो आपका 16,65 प्लस 2 लैक्स का अमाउंट प्लस आपका 50,000 ऊपर के दोनों मिला के, ये आ गया 19,15,000। एक बार यहां चेक कर लें, आपका 45,000, 9 लैक्स का अमाउंट, 6,30,000 एंड 3,40,000 आ गया मेरे बच्चे 19,15,000 का अमाउंट। क्लियर ना, बोलो क्लियर ना सर। हाँ सर, मैं एक काम करूं, मुझे प्रीपेड के ऊपर में एक नोट लिखा देना है, फिर आज क्लास एंड करता हूं, अगली क्लास में हम इसके आगे भी डिस्कशन करेंगे। तो जल्दी से एक नोट लिख लो आप मेरे साथ, जैसे आउटस्टैंडिंग के बारे में बताया था उसी तरीके से प्रीपेड के बारे में। नोट नंबर 2 आज की क्लास के लिए, मीनिंग ऑफ कोई पूछता है मीनिंग बताओ ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस, कोई भी प्रीपेड रेंट, प्रीपेड सैलरी, कुछ भी हो सकता है, प्रीपेड एक्सपेंस का मीनिंग बताओ। तो कहना कि एनी एक्सपेंसेज पेड इन एडवांस, कोई भी एक्सपेंस जो एडवांस से पे किया है, फुल स्टॉप। इट मींस कहता है कि एक्सपेंसेज, या अच्छा वर्ड होता है पेमेंट, इट मींस पेमेंट हैज बीन मेड, हमने पेमेंट तो कर दिया हैज बीन मेड, बट बेनिफिट हैज नॉट येट बीन टेकन, अभी तक हमने उसका बेनिफिट नहीं लिया, बेनिफिट हैज नॉट येट बीन टेकन आपका। तो ये जरा बताओ ये हमारा क्या है, इट इज ट्रीटेड एज एन एसेट, ये हमारा एसेट होता है मेरे बच्चे इन बैलेंस शीट के अंदर में, मीनिंग तो ये हो गया। अगर कोई आपसे पूछ दे कि जरा बताओ ट्रीटमेंट क्या होगा, अलग बात है, मीनिंग अलग बात है, ट्रीटमेंट अलग बात है, ट्रीटमेंट ऑफ प्रीपेड और मान लो एक्सपेंस यानी कि रेंट, मान लो प्रीपेड रेंट इन फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट करेंगे, तो मेरे बच्चे आप कहना कि एक तो आप पहले ट्रीटमेंट ऑफ प्रीपेड रेंट गिवन इन एडजस्टमेंट, अगर आपका एडजस्टमेंट है तो फिर क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे इट इज डिडक्टेड। सर ये क्यों लिखा मैं बताऊंगा अगली क्लासेस का रीजन क्या, पहले लिखो आप इट इज डिडक्टेड फ्रॉम रेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यही क्या था ना, जो भी एक्सपेंस होगा उस एक्सपेंस के नाम से हम वहां से माइनस कर देंगे। और दूसरा इट इज शोन इन द
एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, हमारे बैलेंस शीट के एसेट साइड में होता है। कोई पूछ दे कौन सा एसेट्स, तो कहना करंट एसेट्स। ये कौन सा एसेट्स है मेरे बच्चे? करंट एसेट्स है ना, जो एक साल में ही कैश में कन्वर्ट हो जाएगा या हम बेनिफिट ले लेंगे, अब जानते हैं, ठीक है ना। तो ये बातें निकल के आई। चलिए आज हमने, आज की क्लास में मेरे बच्चे चार तरीके के हमने एडजस्टमेंट देख लिए, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में, डेप्रिसिएशन के बारे में, आउटस्टैंडिंग के बारे में और प्रीपेड के बारे में। बातें भी बहुत सारी होने वाली हैं, अच्छे अच्छे शब्दों को भी समझना बाकी है, लेकिन मेरे बच्चे आज वो दिन नहीं है, हम अगली क्लास में इस पर एंट्री करेंगे। और आज क्लास को रोकते हैं, मम्मी पापा से आप आशीर्वाद लेंगे, उनको कहेंगे कि पापा मम्मी आज तो बहुत मस्त चीज हमने सीखा है। और आज देखना, आज तो हम अगर मान लो कि किसी भी देश पे अगर बोलो तो हम वहां पर उस देश पे जाके जीत के हम आ जाए, मतलब कि आप बहुत स्ट्रांग हो चुके। इन शॉर्ट उनको बोलना कि हमें ना पीटो, क्योंकि हमारे सर ने मना किया है, लाल लाल कर दे तो पीट पीट के गंदा लगता है, ना पीटो, हम हीरे हैं, हम आगे जाके आपके लिए हीरे बनेंगे और आपके लिए बहुत आपके लिए अच्छा बनेंगे और आपकी सेवा करेंगे। ठीक है बच्चे, चलो क्लास अगली क्लास में बढ़ेंगे इसके आगे बढ़ने के लिए। तब तक आप सारे बच्चों को बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।